वाह, यहाँ एक अनानास है। ये हमारे किचन में इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या मजाक है। अब हमें जल्दी जस्टिन के लिए इसे एक डोनट बनाने की जरूरत है। वाह, मेरे मार्शल आर्ट इसके लिए उपयोगी होंगे। हैया! हाँ, यह कूल और बहुत मजेदार निकला। जरा इसे देखो। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है और मुझे इसके लिए केतली की जरूरत होगी। हाँ, यह रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज चॉकलेट बार है। मैं इसे पिघलाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं इसे उबलते पानी में डालूंगी। बस इसके उबलने का इंतजार करना होगा। हाँ, और अब मेरे पास यह पिघला हुआ चॉकलेट है। चलो इसे अनानास पर डालती हूँ और अब यह स्प्रिंकल्स। वाह, बहुत सुंदर। चलो इसे जस्टिन के पास लेकर जाती हूँ। ओह, मैं इसे मिस कर गया। फिर से ट्राई करता हूँ। बस ऐसे ही, मैं जीनियस हूँ। ओह, यह कितना अजीब रिंग है। जस्टिन रुको, यह मेरा अनानास डोनट है जो मैंने खासकर तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें यह खाना है। ओ, मैं समझ गया। धन्यवाद बहन, यह बहुत मीठा है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट, 5 स्टार। तुम सही कह रहे थे, यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह, ऐसा लगता है किसी ने स्टोव पर पास्ता छोड़ दिया था और वे सूख गए हैं। इसका मतलब है मुझे इससे एक नया डोनट बनाने का आइडिया आया है। जब जस्टिन उसे देखेगा तो हंसते हंसते मर जाएगा। हम दोनों के लिए दो डोनट्स बनाने के लिए इसे आधे में काटने की जरूरत है और सभी डोनट्स को बीच में काट लेंगे। बस इस तरह से। देखो जरा इसे। और अब मुझे इस ढक्कन की जरूरत होगी बीच से छेद बनाने के लिए। और यह तैयार है। फिर, अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? डोरिटोस। मुझे इसकी जरूरत थी। इससे मैं ब्रेड क्रम बनाने का तरीका जानती हूँ। वाह, मैं टैलेंटेड हूँ। चलो पहले इसे अच्छे से तोड़कर छोटे टुकड़ों में बना देती हूँ। ऐसे। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। और अब पहले कटोरे में डोरिटोस को डालती हूँ। बढ़िया। और दूसरे में आटा। पहले इसे अंडे में डुबोती हूँ। फिर आटे में। और अब इस डोरिटोस क्रम में। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट और तीखा होने वाला है। चलो इसे तेल में फ्राई करती हूँ। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। और यह तैयार है। चलो इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और जस्टिन के पास लेकर जाती हूँ। वाह, मैं इसे तुरंत खा लेना चाहती हूँ। वाह रेक्स, तुमने पियानो बजाना कब सीखा? गुड बॉय, ब्रेवो। भाई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ताड़ा। वाह, क्या तुमने डोनट खुद बनाया है? वाह बहन, ये बहुत ही मजेदार है। तुमने ये कैसे किया? चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है। सुपर स्वादिष्ट। चलो चलो तुम भी खाओ। हाँ, धन्यवाद। वाह, जस्टिन को कितनी अच्छी ट्रेन गिफ्ट मिली है। मैं इसे खेल रही हूँ। चुक चुक। और यहाँ मेरे सारे फेवरेट ट्रीट्स हैं। वाह, यहाँ इतने सारे मार्शमेलो हैं। एक पूरे डोनट के लिए काफी है। एक शानदार आइडिया है। हमें तुरंत मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है और उसे पेस्ट्री बैग में भी डालना होगा। पहले इसे पिघला लेती हूँ इस तरह से। यह तैयार है। और अब मुझे पेस्ट्री बैग चाहिए। मुझे वो कहाँ मिल सकता है? ओ हाँ, मैं अपने भाई से चुरा लूंगी। बाई और तीन सितारे, और इसीलिए इसे नक्षत्र कहा जाता है। हाँ, यह हैट मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। हाँ, चलो अब इसमें मार्शमेलो को डाल देती हूँ। हाँ, यह गया अंदर। और अब मैं इसे डोनट्स बनाऊंगी। जरा इसे देखो, बहुत सुंदर दिख रहा है ना? थोड़ा और इधर भी।
और मेरा काम लगभग हो गया। वाह, बस इसे अब फ्रिज में रखना है। बस इस तरह से और थोड़ा इंतजार करूंगी। मुझे लगता है कि यह तैयार हो गया है। वाह, लेकिन पहले मुझे इसे अच्छे से सजाना होगा। चलो पहले इसे निकालकर प्लेट में रखती हूँ। और अब स्ट्रॉबेरी सिरप। कितना सुंदर दिख रहा है। और हम स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। और यह रहा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत रंगीन। वाह, सुगंध की बात ही कुछ अलग है। ओह वाह, बस मैं ये पकड़ लूंगा। ये मेरी मछली है। अरे जस्टिन, ओह मेरी मछली ब्रिटनी, क्या हुआ? ओह ये फिर से डोनट है। वाह, तुमने इसे मार्शमेलो से बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। चलो मेरे साथ मछली पकड़ो। वाओ, मैंने बहुत खा लिया है। ओह यह क्या है? यह एक वॉफल मेकर है। यह एक मजाक है क्या? ओह मुझे लगता है मेरे पास अभी भी कुछ गमीज है। अगर मैं उसे वॉफल मेकर में पिघलाती हूँ तो क्या मैं एक स्वादिष्ट डोनट बना पाऊंगी? सुपर, अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, चलो थोड़ा डांस करती हूँ। ये ओह ये बहुत अच्छा म्यूजिक है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं थोड़ा योग कर लेती हूँ। वाह, शांत हो जा, शांत। ओह यह क्या, लगता है ये जल रहा है। ओह मैं इसमें डालकर भूल गई थी, लेकिन अब यह बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मार्मलेट डोनट्स, बहुत सुंदर। थोड़ा स्प्रिंकल छिड़क देती हूँ और यह जस्टिन के पास लेकर जाती हूँ। देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ओह मुझे तुरंत बैकअप की जरूरत है। कोई बुला रहा है? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हैंड्स अप जस्टिन, ओह मुझे बचाओ। ओह यह ठीक है, यह तुम्हारे लिए है फाइटर। तुम ठीक तो हो? ओह यह क्या है, तुम मुझे सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ती। ये डोनट वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाओ ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम ग्रेट हो। मुझे और चाहिए, ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। वाओ, हाय फाइव सिस्टर। मैं क्या खाऊं? आइसक्रीम, क्या बात है। चलो अब मैं इसे खाऊंगी। इसे खोलती हूँ। क्या ये खुल नहीं रहा है? ओह ऐसा लगता है कि ढक्कन से चिपक गया है। उफ, खुल ही नहीं रहा है, कितना मुश्किल है। तुम शरारती जार, बस अब तुम मुसीबत में हो। मैं तुम्हें उड़ा दूंगी ढक्कन। ओह ये विस्फोट ना कर जाए। ओह यह क्या, कुछ काम नहीं किया। ओह क्या सच में? ठीक है, चलो मेरे पास दूसरा आइडिया है। मेरे पास चाकू है, मैं उसे इसे काट दूंगी। हाँ आखिरकार यह हो गया। चलो मैं इस आइसक्रीम से सुंदर डोनट बनाऊंगी। डोनट आइसक्रीम और यह व्हाइट ग्लेज और ऊपर से गोल्डन सुगर। ओह यह बहुत सुंदर दिख रहा है। मुझे लगता है मेरे भाई को मेरा आइडिया पसंद आएगा। ओह अरे ओह करो, मैं ठीक से गिरा। अब मैं खुद से निकल जाऊंगा। तुम हमेशा गिर क्यों जाते हो? चलो इसे ट्राई करके देखो। वाओ इसके स्वाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये आइसक्रीम है? वाओ तुम्हारा आइडिया तो बहुत मस्त था बहन, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे सच में बहुत पसंद आया। पीप पीप, मैं आ रही हूँ। ओह ये एक्सीडेंट हो गया। ओह हमें तुरंत पहिया को बदलना होगा। चलो देखे हमारे पास स्पेयर में क्या है। वाओ सबसे पहले ब्रेक लेने के लिए और आराम करने के लिए हमारे पास एक पॉपिट है। और फिर एक पर्स। और ये अफसोस की बात है कि ये खाली है। What is this? और यह क्या है, सिरिंज? मैं इसे खींचती हूँ। वाओ बस मुझे इसकी जरूरत थी। सेब को बीच में से काट लेते हैं ऐसे।
और उसके ऊपर न्यूटेला डालेंगे। और न्यूटेला कहाँ है? ओह, वाव! मैं इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसे एक सिरिंज से डालूंगी। चलो यहाँ डालती हूँ। जरा इसे देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, चॉकलेट और सेब बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से स्प्रिंकल से बहुत खूबसूरत। और यह सर्व किया जा चुका है। चलो जस्टिन के पास जाती हूँ। ओ बस, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। आह, मेरा सिर! तुम हमेशा मुझे डिस्टर्ब करती हो। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जरा तुम इसे ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये जरूर स्वादिष्ट होगा, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया है। हाँ, यह तो है। रुको, इतने सारे ट्रीट्स के साथ तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं इसे दूर नहीं करूँगा। ओह, प्रेग्नेंट लेडी, हेलो, मुझे अपने बच्चे को सुनने दो, वो मुझसे बात ही कर रहा है। ओह, और मुझे एक अच्छा आइडिया मिला। अब मैं पक्का सारे ट्रीट्स को अंदर ले जाऊंगा। हॉल में कौन सो रहा है? और अब मैं अपना भेष बदल सकता हूँ। मुझे निश्चित रूप से लंबे बाल, कुछ मेकअप और प्यारे कपड़े की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत लड़की दिख रही हूँ। और अब मैं ड्रेस के नीचे एक बैग पैक डालता हूँ और इसे ले जाता हूँ। फैशनेबल ड्रेस के लिए धन्यवाद, बाय। अंदर जाओ, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, एक और प्रेग्नेंट, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? नहीं, मुझे जल्दी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मेरा डॉक्टर कहाँ है? क्या आप गलत जगह पर आ गई हैं? तुम्हें मेरा नया रूप कैसा लगा? फीबी बेबी, तुम क्या कर रही हो? ये मैं हूँ ब्रायन, मैं तुम्हारे लिए ट्रीट्स लाया हूँ। नर्स मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। लो, अपने फेवरेट चिप्स और कैंडीज खाओ। क्या मुझे भी मिल सकता है? बस थोड़ा सा। बेशक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो, मुझे आशा है तुम्हें ट्विक्स पसंद आएंगे। फीबी, चिप्स खाओ ताकि तुम जल्दी बाहर आ जाओ। घर पर अभी भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं। नमस्कार, यह क्या है? कोक? इसके साथ तुम अंदर नहीं जा सकती। ओ, किसी अंदर ले जाया जा रहा है। सीरियस है? उसे क्या हुआ है? मैंने बहुत सारे टिकटॉक देखे। मम्मी को कह देना मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जल्दी वार्ड में जाओ। ओह, इतनी कम उम्र, ऐसी बीमारी। ओह, किसे ले जा रहे हो? क्या क्या ये मेरा ब्रायन है? उसे क्या हुआ? ब्रायन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो मेरे लिए ट्रीट लाने वाले थे। वो सांस नहीं ले रहा है। तुम भी झांसे में आ गई। मैं जिंदा हूँ। ये प्रैंक था बेबी। मैं इस तरह से ट्रीट्स लाया हूँ, और कैंडी के लालच में नर्सों ने मेरी मदद की। चलो खाओ। जेन, इसे पकड़ो। ओह, मुझे पता था तुम मुझे ट्रीट्स के बिना नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड है। कैंडीज लाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। सब कुछ तुम्हारे लिए है फीवी, तुम सारे खा सकती हो। मुझे वर्दी में एक सेल्फी लेनी चाहिए। ओह नहीं, बढ़िया, वर्दी मुझे सूट करती है। अब मैं अंदर आराम से जा पाऊंगा। लड़कियों सुनो, मैं आपकी पारी के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम आराम कर सकती हो। क्या? अच्छा ठीक है, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। हाँ, वो मेरे चाल में फंस गई। स्वादिष्ट ट्रीट्स, क्या तुम्हें चाहिए? लेकिन फिर यह भूलना होगा कि तुमने क्या देखा। मैं यहाँ नहीं था, मैं इसे फीबी के पास ले जाता हूँ। मिस फीबी, फिर से कैंडी खा रही हो? यह यहाँ मना है। फिर तुम जितना चाहो उतना खाओ, क्योंकि मैं बॉक्स भर कर ट्रीट्स लाया हूँ। ओह ब्रायन, हाय, तुम ट्रीट्स ले आए? अब मैं अपनी फेवरेट कैंडीज फिर से खा पाऊंगी। ओह ब्रायन, मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। इसकी वर्दी वापस दो, चोर। मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हाय लड़कियों, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ओह, सबसे मैं कितना थक गई हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तुम्हारे पास क्या है? फिर से कैंडी? मैं इसे ले रही हूँ, और मेरे साथ बहस मत करो। हाय मिया, आज का दिन अच्छा रहा। मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। मैं यह कोट यहाँ रख देता हूँ।
मुझे इस कोट की जरूरत होगी। नर्स के रूप में भी मैं ठीक था, लेकिन मैं अभी तक डॉक्टर नहीं बना हूँ। मैं डॉक्टर बनने की कोशिश करता हूँ। वाओ, बढ़िया, मुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी। वर्दी निश्चित रूप से मुझे सूट करती है। अब ट्रीट्स लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। ओ डॉक्टर, रुको, मुझे भयानक सिर दर्द है, शायद आपके पास कुछ हो। तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें कोई टेबलेट चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढता हूँ। कि मेरे पास यहाँ केवल चॉकलेट है और संभावना नहीं कि इससे सरदर्द में राहत मिलेगी। लेकिन M&M बिल्कुल एक गोली की तरह है, ये उसे दिया जा सकता है। मैंने आपके लिए सही दवा ढूंढ ली है, इसे तुरंत मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट रुको, यह M&M की तरह क्यों दिख रहा है? मैं देखना चाहूंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या दिया। एक मिनट रुको, ये कैंडी बार है, मुझे अपना सूटकेस दिखाओ। भाग गए बदमाश। हेलो, मुझे हमारी बातचीत याद है। मिया, यह मेरा मरीज है, इसे शुगर शॉक लगा है। धन्यवाद। ये फर्श पर क्या है? यह कैंडी ट्रेल है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? मुझे सब समझ में आ गया है। रुको, मुझे देखना है कवर के नीचे क्या है। इतने सारे ट्रीट, शायद तुम बुजुर्ग भी नहीं हो। बेशक, मुझे दूर ले चलो दोस्त, दूर ले चलो। बाय बाय। वे अखबारों में क्या लिख रहे हैं? क्या यह प्रसिद्ध अरबपति शेख है? हेलो सुंदर लड़की, मुझे एक नई पत्नी चाहिए, क्या तुम मेरी सौवीं प्यार बनोगी? मुझे हर बात मंजूर है। हम दुबई या टर्की के लिए कब उड़ान भरने जा रहे हैं? मुझे परवाह नहीं कहा। अरे मैंने किया, उसने कुछ भी नोटिस करने से पहले मैं चला जाता हूँ। क्या टर्किश टीवी सीरियल का आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम फनी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पत्नी नहीं मिलेगी। अरे क्या तुम्हें समझ नहीं आया, ये मैं हूँ ब्रायन और मैं तुम्हारे लिए ट्रीट्स लाया हूँ। वाह, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे भी कुछ दे दो। मुझे जो कुछ भी पसंद है सब यहाँ है। जेन, तुमने क्या मेकअप किया है? मुझे लगता है कि ये आउटफिट तुम्हें सूट कर रहा है। तुम बहुत फनी हो, चलो एक साथ कैंडीज खाते हैं। मुझे किसी तरह से अपनी फीवी के फेवरेट चिप्स को अंदर ले जाना होगा। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं पैकेज को अपनी जैकेट की आस्तीन में रख सकता हूँ और दिखावा करूँगा कि यह मेरा हाथ है, और फिर यह नकली हाथ मेरी मदद करेगा। अब मैं एक उदास चेहरा बना लेता हूँ, मानो अभी अभी हाथ टूटा हो। नर्स, मुझे तुरंत मदद की जरूरत है, मैंने अपना हाथ तोड़ लिया है। इसे देखो, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द फीवी के पास चलना चाहिए। ओ मेरा हाथ, मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मेरे हाथ, मैंने अपना हाथ तोड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? ओह माफ करना, मेरे पास हड्डी नहीं है। देखो, अरे बाप रे, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा हाथ? मैंने ट्रीट्स के लिए अपना हाथ तोड़ दिया था। प्रैंक पूरा सफल रहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है मेरे पास। लो ये चिप्स, तुम्हारे फेवरेट है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओ। लो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, खाओ। तुम ऐसे ही सोए रहो, मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, इसे पकड़ो। ओ जेन, सभी चिप्स उड़ रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि तुम एक मुश्किल केस में हो। धन्यवाद ब्रायन, तुम बहुत अच्छे हो। मैं क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पास्ता बनाए, क्या आप इसे कर सकते हैं? बढ़िया, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमें पास्ता बनाने के लिए आटा बेलना होगा। मैं अपनी प्यारी पोती को रेडीमेड पास्ता नहीं खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए सब कुछ खुद पकाना मुश्किल नहीं है, बस सब कुछ सावधानी से काटने की जरूरत है और फिर इसे उबलते हुए पानी में डालेंगे। देखो, ऊपर से पहले थोड़ा आटा छिड़क दिया, ऐसे मिलाया और अब बस इसे उठा के गर्म पानी में डाल दिया। दादी ये बहुत बोरिंग है, क्या आपको इसके लिए स्पेशल उपकरण चाहिए? नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ खुद 100 गुना तेजी से करूंगी। हमें बस डो का एक टुकड़ा अंदर रखना होगा और मशीन शुरू करनी होगी। सुंदर पास्ता खुद कट जाएगा, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। और अब मुझे टमाटर का पेस्ट चाहिए, इसे खोलना बहुत मुश्किल है। दादी क्या आप इसे करेंगी? आप नहीं खोल सकती? मैं कुछ सोचती हूँ।
ओ हाँ, मुझे एक लाइफ हैक पता है जो मेरी दादी ने मुझे दिखाया था। मुझे एक तौलिया की जरूरत है और नीचे हिट करने की जरूरत है। ओह, कैसा जिद्दी जार है, बिल्कुल नहीं खुलना चाहता। रुको, लाओ मैं मदद करती हूँ। मेरे पास एक खास उपकरण है, इससे यह आराम से खुल जाएगा। मैं भी स्कॉच टेप के साथ एक लाइफ हैक जानती हूँ। मेरी दादी ने मुझे उसके बारे में बताया था। स्कॉच हमेशा पास में होता है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक और लाइफ हैक दिखाऊं? देखो कितनी तेजी से मैं एक बार में सभी टमाटरों को आधा काट दूंगी। हो गया, यह जादू नहीं है, यह वर्षों का अनुभव है। हमने सब कुछ एक पैन में डाल दिया। अब हमें और टमाटर का पेस्ट डालना है और सब कुछ एक साथ मिलाना है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक ही बार में टमाटर काट सकती हूँ। केवल आपको दो प्लेटों की जरूरत थी और मुझे बस एक उपकरण की जरूरत है। हम इसे फ्राइंग पैन में डालते हैं। आपको क्या लगता है? ओह, यह क्या? हे भगवान, यह कैसा राक्षस है? मेरे किचन में भूत है, उसे जल्दी से यहाँ से निकालना होगा। बाहर निकलो राक्षस। यह क्या है? यह मेरा है। घंटों तक चूल्हे पर खड़े ना रहने के लिए इस चीज की जरूरत है। वो आपके लिए सब कुछ मिक्स कर देगा। यह अच्छा है, कुछ भी नहीं जलेगा। वाओ, सुंदर हैंडमेड पास्ता तैयार है। अब हमें सब कुछ एक प्लेट पर रखना होगा और ऊपर से टोमेटो सॉस डाले। मैं तैयार हूँ। ब्रिटनी, यह तुम्हारे पास क्या है? यह एक कांटा है जो नूडल्स को अपने आप घुमाता है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक दो बार नूडल्स को घुमाया और यह प्लेट पर रखने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही। ऐसे सजावट के लिए टमाटर का पेस्ट और कुछ छोटे टमाटर रखेंगे। बहुत सुंदर। एमा, तुम खाना शुरू कर सकती हो। वाओ, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे इसे जल्दी ट्राई करना चाहिए। वाओ, OMG, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। और यहाँ किस तरह का पास्ता है? वाओ, यह हुई ना बात। स्वादिष्ट, मुझे पसंद है। बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। दादी ने क्या किया है? पास्ता अलग लग रहा है। चख कर देखती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ब्रिटनी को विनर चुनती हूँ। ये मुझे पता था, मैं ही जीतूंगी। किचन गैजेट मेरी मदद कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप पिज्जा बनाएं। यह बहुत आसान है। चलो जल्दी करो क्योंकि मुझे भूख लगी है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, पिज्जा डो बनाने की जरूरत है। मुझे आटा चाहिए। ओह, कुछ गड़बड़ हो गया। ब्रिटनी, क्या तुम मजाक कर रही हो? ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ। ओह, नाक में भी चला गया। अब बोर्ड पर आटा डाले और एक छोटा गड्ढा बनाएंगे। थोड़ा तेल और फिर थोड़ा दूध डालेंगे। बिल्कुल सही। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं अद्भुत डो बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं इस फूड प्रोसेसर से आटा गूंद सकती हूँ। ये मेरे हाथों की तुलना में बहुत तेज होगा और कुछ गंदा भी नहीं होगा। हमें बस इसमें सभी टूल लोड करने होंगे और चलो चलते हैं। तेल डाला, आटा डाला और बस सेट किया। ये काम कर रहा है। मैं एक असली पिज्जा डो बनाऊंगी। कितना अच्छा। क्या मैं इस बेवकूफ मशीन से हार नहीं सकती? मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे ब्रिटनी की मशीन से डो बनाने की तुलना में तेजी से डो रोल करने की जरूरत है। वाह, कुछ काम कर रहा है, बढ़िया। हाँ, और आप टमाटर पेस्ट का जार खोले। मेरे पास इसके लिए एक विशेष बोतल ओपनर है। हाँ, ये तैयार हो गया। देखो, मैंने इसे केवल किताबों में देखा है। दादी, यह 21वीं सदी है, दुनिया मशीनों से चलती है। यहाँ मेरा कैन ओपनर है, यह बहुत अच्छा है। लेकिन प्यार कहाँ है? ब्रिटनी, समझा करो कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम न केवल सबसे स्वादिष्ट सामग्री बल्कि हमारे प्यार को भी खाना में डालते हैं। मैं एमा को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसके लिए प्यार से खाना बनाती हूँ। उसके लिए अपने हाथ गंदे करना मुश्किल नहीं है। बोरिंग। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चीज कैसे ग्रेट करती हूँ।
यदि काम को आसान बनाया जा सकता है तो इसे आसान बनाना चाहिए। यह बहुत अधिक सुविधाजनक और तेज है। मेरा चीज तैयार है। तुम लाइफ हैक चाहती हो? इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें कांटे से सॉसेज को पकड़ते हैं और कांटा के दांतों के बीच के छेद का उपयोग करके सुंदर टुकड़ों में काटते हैं। यह शानदार है। अब केवल पिज्जा पर डालना बचा हुआ है। मैं इसे भी आसान बनाना जानती हूँ। मेरे पास कुछ भी टुकड़ा करने के लिए एक विशेष गैजेट है। हो गया। बहुत आसान है। बस इसे फैलाना है और ओवन में डालना है। लेकिन मैं इसे भी आसान बना सकती हूँ। यह पिज्जा मेकर है। ओवन के बिना भी पिज्जा अच्छे से तैयार करता है। और मैं इसे हमेशा की तरह ओवन में रखूंगी। मुझे इन मशीन पर भरोसा नहीं है। यहाँ सब कुछ तेजी से तैयार हो जाएगा। चलो टाइम सेट कर दे और इंतजार करे। हम इसे थोड़ा बांध सकते हैं। ओह, लगता है मैं उलझ गई हूँ। दादी, आप ठीक हो ना? आप बहुत फनी हो। आप किससे लड़ रही हो? अब तुम्हें यह फनी लग रहा है? चलो आगे बढ़ो। मुझे शतरंज की क्या जरूरत है? मेरा पिज्जा जल्दी तैयार हो जाएगा। ओह, और यह अलार्म घड़ी बज गई है। चलो जल्दी पता करें कि क्या पिज्जा तैयार है। वाह, दादी का पिज्जा कितना सुंदर है। और ब्रिटनी का कैसा है? ओह, वो जल गया है। कितना भयानक। ओवन कोई खराब विकल्प नहीं था। पिज्जा को टुकड़ों में काटकर एमा को परोसना बाकी है। उसे बहुत भूख लगी है। दादी ने बहुत अच्छे तरीके से पिज्जा को काटा है और इसे सर्व कर रही है। स्वादिष्ट। यह क्या बकवास है? मुझे यह पसंद नहीं है। ये जला हुआ है। मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहती। हाँ, यह बहुत कड़ा भी है। ब्रिटनी, क्या तुमने इसे सीमेंट से बनाया है? नहीं, इसे खाना असंभव है। उफ, मैं दादी के पिज्जा को ट्राई करूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। दादी, आप महान हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। आप जीत रही हैं। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। और अब मुझे कोको चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? ये बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर सभी तैयार है तो चलो। ब्रिटनी फिर से कुछ लेकर आई है और मैं सब कुछ उसी तरह करूंगी जैसे मैं अपने बचपन में किया करती थी। चॉकलेट की केवल एक बार की जरूरत है। हम इसे कटोरे में डालते हैं और इसे गर्म करने के लिए पानी के ऊपर रखती हूँ। एक विस्क से सब मिक्स करेंगे ताकि चॉकलेट जल्दी पिघल जाए। वाव, ये अच्छा है। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं सब कुछ एक ब्लेंडर में डाल दूंगी। मुझे बहुत दूध चाहिए। हाँ, सब डाल दिया। इसमें हम किंडर डालेंगे। बढ़िया। ढक्कन लगाना नहीं भूलना है और चालू करें। अरे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अजीब है। चलो। ओह, ये काम कर रहा है। वाह दादी, मैं पूरे हिल रही हूँ। मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं सकती। ब्लेंडर बहुत पावरफुल है। मैं इसे बंद करने की कोशिश करती हूँ। ओह, अब सब ठीक है। अब हमें एक ग्लास में सब कुछ डालना होगा। लेकिन ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ काला है। इसमें एक कोल्ड टेम्परेचर लिक्विड डालना जरूरी है, फिर यह रंग बदल लेगा। शानदार। अब कोको एक सुंदर मग में है और अपना आधा काम हो गया। अब हमें मार्शमेलो के साथ सब कुछ सजाने की जरूरत है। कोको मार्शमेलो के बिना नहीं हो सकता। तैयार। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाने जा रही हूँ। मुझे पेस्ट्री बैग चाहिए। इसमें चॉकलेट डाले। बढ़िया। अब मुझे जरूरत है। अरे, मेरा सांचा कहाँ है? मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। ओह ब्रिटनी, यह मेरा सांचा है। हमें इसमें पिघली हुई चॉकलेट डालना होगा। हर एक सांचे में मेरे पास ये दिल है। अब इसमें स्टिक्स डालेंगे और सुंदर कैंडीज या मार्शमेलो के साथ सब कुछ सजाएंगे, जो भी तुम चाहो। तैयार। अब केवल इसे जमाना है। मैंने इसे सुंदर कैंडीज से सजाया है। कितना सुंदर दिख रहा है। और अब हमें गर्म दूध और कुछ मार्शमेलो तैयार करने की जरूरत है। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। सच में मुझे जल्दी कोको पीना है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ।
एक प्यारा ग्लास। एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? वाओ, मार्शमेलो, स्वादिष्ट। और स्टिक पर ये दिल कैसा है? मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? ओह, यह सही है, बस उन्हें दूध में डुबोना है। चॉकलेट वहाँ पिघल जाएगी और हमें कोको मिलेगा। वाह, कितना सुंदर रंग! इसे जल्दी पी कर देखना चाहिए। वाह, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और दादी जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बेटा।